हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तुलाल चंदा स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। एक्चुअली दोस्तों, मैंने जो पिछला वीडियो शिशु मंदिर पे अपलोड किया था उस पर कुछ बच्चों को आपत्ति हुई थी और संभव है कि इसके अलावा और लोगों को आपत्ति हुई होगी। उस वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि शिशु मंदिर दूसरे स्कूलों से और अलग क्यों है और बेहतर क्यों है। तो उन लोगों को लगा कि मैं शिशु मंदिर की तारीफ कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि दूसरे स्कूल की बुराई कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को समझने में मिस्टेक हुआ है। आप लोग जो मैं कहना चाह रहा था उसको आप दूसरे ढंग से समझ गए हैं। मैं किसी चीज की प्रशंसा कर रहा हूं, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि मैं किसी दूसरे चीज की बुराई कर रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पसंद और नापसंद की बात है। एक्चुअली मुझे शिशु मंदिर की विधि व्यवस्था, वहाँ का रूल रेगुलेशन जो है काफी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने उसका तारीफ किया, उसकी प्रशंसा किया। और मैं खुद, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद शिशु मंदिर से पढ़ाई नहीं किया, और मैं जब पढ़ाई कर रहा था उस समय शिशु मंदिर के बारे में मुझे कोई पता भी नहीं था। मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, डीएवी में पढ़ चुका हूँ। मैं डीएवी में जो है हिंदी मीडियम का पढ़ाई होता है, अभी मुझे लगता है कुछ इधर 7-8 साल से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रहा है, लेकिन कई सारे डीएवी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे आज भी हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो रहा है। तो मैं हिंदी मीडियम से खुद पढ़ के आया हूँ, तो मैं किसी और स्कूल को बुराई करूंगा ऐसा आप सोच सकते हैं। मैं सिर्फ शिशु मंदिर की तारीफ कर रहा हूं क्योंकि वो अलग है, इसीलिए मैं किसी दूसरे स्कूल की बुराई नहीं कर रहा हूं। आप लोग इसे बिल्कुल भी गलत ना समझें। ये स्कूल वाकई में दूसरे स्कूल से अच्छा है। इसके लिए मैंने कई रीजन दिए थे, कई रीजन मैं दे चुका हूं कि क्यों अच्छा है, और इसको मैं लाइव इसको प्रूफ कर सकता हूं। अगर आप कहें कि आप इसको लाइव प्रूफ कीजिए तो मैं लाइव प्रूफ कर सकता हूं। और आपने तो सुना ही होगा, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो आइए हम लोग आज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, आज मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट है और वो खुद शिशु मंदिर का एक स्टूडेंट है, जो शुरू से ही वो शिशु मंदिर में पढ़ रहा है, किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो शिशु मंदिर के बारे में ज्यादा बेहतर जानता है। तो उससे हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे कि शिशु मंदिर उसको क्या चीजें सिखाया है, उससे हम लोग कुछ सवाल पूछेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि शिशु मंदिर और स्कूलों से ज्यादा अच्छा क्यों है। तो हम लोग उसको बुलाएंगे, आज मेरे साथ है। तो अंकित आ जाओ यहाँ पे, तो मैं आपको मिलवाता हूँ। इसका नाम है अंकित कुमार, ये शिशु मंदिर विद्यालय में स्टूडेंट है। तो अंकित, मेरे दोस्तों को अभिवादन करो। नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग अंकित से कुछ इसी से संबंधित, जो है शिशु मंदिर विद्यालय से संबंधित कुछ सवाल करेंगे, उससे पता चलेगा कि शिशु मंदिर किस प्रकार से दूसरे स्कूलों से अलग है। तो अंकित, अच्छा बताओ कि शिशु मंदिर में, मैंने सुना है कि शिशु मंदिर में जब बच्चे जाते हैं तो सुबह में अपने माता पिता को प्रणाम करके जाते हैं, तो क्या इसके बारे में, मतलब ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। हमारे स्कूल में जितने भी आचार्य हैं या दीदी जी हैं, वो हमें यही सिखाती हैं कि अपने से बड़ों का रोज प्रणाम करके उनके पैर छू के विद्यालय आना है। हाँ, इसका मतलब है कि तुम भी रोज अपने माता पिता को प्रणाम करके जाते होगे। जी, चलिए, ये बहुत अच्छा चीज है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, मतलब इनसे सुन के आप जान सकते हैं कि किस तरह से, जहां तक मैं समझता हूँ कि दूसरे स्कूलों में शायद ही ऐसा सिखाया जाता होगा। और दूसरा सवाल पूछते हैं कि अच्छा बताओ अंकित, कि वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं, जो ऊंचे क्लास के स्टूडेंट होते हैं, तो उसको तुम लोग जैसे दीदी जी या भैया जी इस तरह से बतलाया जाता है बोलने के लिए, क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। हम लोग के स्कूल में जो आचार्य गण है, दीदी जी है, वो हमें यही सिखाती है कि अपने से बड़ों को हमेशा सम्मान देना है और अपने से बड़ों को जी कह के संबोधित करना है। तो मैं अपने से बड़े भैया या बहन को भैया जी बोलता हूँ और बहन को दीदी। अच्छा, जैसे कि हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो वहाँ पे टीचर को सर सर आज तक सर ही बोलते हैं, और हम लोग जो स्टूडेंट हम लोग पढ़ाते हैं वो भी हम लोगों को सर ही बोलते हैं, तो क्या मतलब शिशु मंदिर में, मैंने सुना है कि सर को आचार्य जी बोला जाता है, तो क्या ये सच है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। वहाँ 1% स्टूडेंट ही आचार्य जी को सर बोलते हैं, बाकी 99.9% स्टूडेंट आचार्य जी को सर को आचार्य जी बोलते हैं। जी, अच्छा अंकित, ये बताओ कि जैसे कि टिफिन जब होता है तो टिफिन करने से पहले बच्चे लोगों को एक मंत्र बुलवाया जाता है, मंत्र उच्चारण करवाया जाता है, तो क्या वो मंत्र तुमको याद है, तो फिर यहाँ पे बताओ। जी हाँ, वो मंत्र मुझे याद है।
तो मैं उस मंत्र का उच्चारण करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदिशावहे ओम शांति शांति शांति। दोस्तों आप लोगों ने देखा इस तरह से जो भोजन मंत्र करवाया जाता है, मुझे नहीं लगता कि कोई और विद्यालय में करवाया जाता होगा। इसके अलावा और हम लोग कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि सुबह में जब पांव को जमीन पर रखने से पहले बेड से जो लोग उठते हैं तो सुबह में पांव रखने से जमीन पर पांव रखने से पहले एक मंत्र बतलाया जाता है स्कूल में, तो उस मंत्र को अगर याद हो तो फिर हमारे दोस्तों को बतलाओ। जी मुझे वो मंत्र याद है, तो सुनिए। समुद्र वसने देवी पर्वतस्नन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस परसम क्षमास्वामी। जी दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, काफी समय से इसका रिवीजन छूटा हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मंत्र लगभग यही है। और अच्छा अंकित, ये बताओ कि सुबह में उठने के बाद हाथों को देखकर कोई मंत्र पढ़ने के लिए बतलाया जाता है स्कूल में? जी, तो अगर ये मंत्र अगर याद हो हाथों को देखकर पढ़ने वाला तो फिर हमारे दोस्तों को बतलाओ। जी मैं उस मंत्र का उच्चारण करने जा रहा हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। यही मंत्र है। इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि शिशु मंदिर किस तरह से डिफरेंट है, इस तरह के मंत्र शायद मुझे नहीं लगता कि कोई विद्यालय में सिखाया जाता होगा। अंकित, क्या तुम इसके अलावा कोई विद्यालय में पढ़े हो? जी नहीं, नहीं पढ़े। अंकित नहीं जान सकता इस बात को, लेकिन मैं इसके अलावा दो तीन विद्यालय में और पढ़ चुका हूँ, और मैं और दूसरे दूसरे विद्यालय में हाल फिलहाल पढ़ाता भी हूँ। अभी लॉकडाउन का समय है, इसीलिए अभी सारे विद्यालय बंद है, लेकिन जिन विद्यालय में मैं पढ़ाया हूँ किसी में भी इस तरह का कोई मंत्र मुझे नहीं मिला है। हाँ, एक शिशु मंदिर नाम करके विद्यालय में पढ़ाया हूँ, उसमें ये मंत्र मुझे मिला था, इसीलिए मुझे दो चार मंत्र याद हैं, लेकिन अभी मैं उसको भूल चुका हूँ। तो इसीलिए मैंने अंकित को यहाँ पे बुलाया कि ये उस मंत्र को उच्चारण करके बतला दे। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत जरूरी बात मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि यहाँ पे रामायण और महाभारत का बुक चलता है। जी, तो रामायण और महाभारत कई बच्चे ऐसे होते हैं, आज के डेट में मुझे कई बच्चे ऐसे मिले दूसरे स्कूल के बच्चे, उनको ये पता नहीं है कि रामायण में राम है या कृष्ण है, लेकिन यहाँ के बच्चे जो शिशु मंदिर में पढ़ते हैं उसे जरूर पता रहता है। अच्छा अंकित, बताओ कि महाभारत में एकलव्य के पिता का नाम क्या था? महाभारत में एकलव्य के पिता का नाम था हिरण्यधनु। और जैसे रेयर क्वेश्चन है, ये सब ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, भीम का जो है पौत्र, भीम का पुत्र का नाम अगर पता है तो बतला। भीम का पौत्र का नाम था बर्बरिक। जैसे अर्जुन जो है उसको बहुत सारा अस्त्र प्राप्त था, तुमको तो पता ही है। एक्चुअली दोस्तों मैं बतला दूं कि जितना महाभारत के बारे में मुझे पता नहीं है इसको पता है, और इसके पीछे कारण यह है कि इसका इंटरेस्ट उस पर जाग चुका था, इसीलिए अब मुझे ये खुद बतलाता है कि महाभारत जो है इसमें ये चीज होता है। तो इससे हम लोग जानेंगे अब कुछ जो है अर्जुन के जो शस्त्र अस्त्र जो है, हाँ, दिव्यास्त्र जो है, तो उसके बारे में कुछ बतलाओ और कुछ नाम भी बतलाओ उन दिव्यास्त्र का। देखिए, जब पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार थे तब श्री कृष्ण और युधिष्ठिर ने अर्जुन को बोला कि जाओ और दिव्यास्त्र की प्राप्ति, दिव्यास्त्र की खोज में जाओ, ताकि युद्ध में तुम्हारा सामना अंगराज कर्ण, पितामह भीष्म या गुरु द्रोण से हो तो तुम उनका सामना कर सको। तो अर्जुन बोले ठीक है मैं जाता हूँ। तो अर्जुन सबसे पहले वन गए और वहां पर शिव जी की तपस्या करने लगे। अर्जुन ही केवल एकमात्र योद्धा थे जो अपनी तपस्या और अपनी अपना युद्ध कौशल से शिव जी को प्रभावित किए थे, उनको प्रसन्न किए थे। तो अर्जुन बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, तब फिर शिव जी ने एक व्याध का रूप, मतलब शिकारी का रूप लेके आए, और शिव जी अर्जुन को चैलेंज कर रहे थे। तो शिव जी बोल रहे थे कि हे धनुर्धर, तुम कौन हो? अगर तुम में सामर्थ्य है तुम मुझसे युद्ध करो। तो अर्जुन बोला शायद तुम्हें अपने प्राणों की मोह तुम अब छोड़ चुके हो। तो अर्जुन और शिव जी में युद्ध हुआ, तो शिव जी तो बहुत शक्तिशाली थे, अर्जुन को तुरंत परास्त किए। तो अर्जुन बोलते हैं कि इस तीनों लोकों में मुझे ऐसा कर सिर्फ मुझे ऐसी दशा चार लोग ही बना सकते थे, वो है पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और इंद्र और भगवान शंकर। तो फिर अर्जुन बोलते हैं कि पितामह भीष्म तो आप है नहीं, गुरु द्रोण भी नहीं, इंद्र भी नहीं, तो आप जरूर भगवान शंकर है, मुझे अपना दर्शन दीजिए। तो इसी प्रकार भगवान शंकर उनको अपना वास्तविक रूप दिखा देते हैं, और अर्जुन
फिर मांगते हैं भगवान शंकर से कि मुझे प्रासुपतास्त्र की खोज में मैं निकला हूं। तो भगवान शंकर बोलते हैं तुम्हें इसे इस अस्त्र की आवश्यकता क्यों है। हाँ, तो अर्जुन बोलते हैं मैं इस अस्त्र को अपने सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा के लिए प्राप्त कर रहा हूं आपसे, मैं इस शस्त्र का गलत उपयोग नहीं करूंगा। तो भगवान शंकर उनको दे देते हैं पाशुपतास्त्र जिनका प्रयोग मात्र से ही इस दुनिया का विनाश हो जाता, वो अर्जुन ने प्राप्त किए। और फिर भगवान शंकर ने बोला कि जाओ देवलोक जाओ और वहां से और अस्त्र का प्राप्ति करो। तो देवलोक में अर्जुन गए, अर्जुन ने वहां उर्वशी से नृत्य की कला सीखी। नृत्य की कला सीखने का एक फायदा हुआ अर्जुन को, जब अर्जुन बृहन्नला बने थे अपने अज्ञातवास में तो वही नृत्य सुभद्रा को सिखाने के काम आया। देखिए ये काम आया। तो फिर अर्जुन दिव्यास्त्र की प्राप्ति के लिए देवलोक गए और वहां से भगवान इंद्र ने उन्हें वज्रास्त्र और वज्र प्रदान किया, और फिर कुबेर देवता ने उन्हें अंतर्ध्यान अस्त्र प्राप्त किया, यमराज ने दंडास्त्र प्राप्त किया, और ब्रह्मास्त्र ब्रह्मशीर नागपाश यमपाश आदि अस्त्रों का ज्ञान उन्हें मिला। और अर्जुन मल्ल युद्ध में भी बहुत निपुण थे। जब जरासंध का वध करने का टाइम आया, घड़ी आई, तब श्री कृष्ण को अर्जुन पे पूरा विश्वास था, इसलिए श्री कृष्ण भीम और अर्जुन गए और श्री कृष्ण ने जरासंध से बोला तुम हम तीनों में से किसी एक को चुन लो मल्ल युद्ध के लिए। तो इसका मतलब यही होता है कि अर्जुन मल्ल युद्ध में भी निपुण थे। और एक बात जो बहुत कम को पता है, अर्जुन के हाथ में आम धनुष मतलब कॉमन धनुष टिकता ही नहीं था, अर्जुन सिर्फ उसका जो डोरी है उसको टांगते थे वो धनुष टूट जाता था, इसीलिए अग्निदेव ने उन्हें गांडीव धनुष और अक्षय तरकस दिया। अक्षय तरकस से धनुष कभी समाप्त नहीं हो सकते थे। और गांडीव की यह विशेषता थी कि कभी भी अगर गांडीव से बांध चलता था तो दुश्मन कांप जाता था, और गांडीव की टंकार मात्र से ही आम सिपाही अधमरे हो जाते थे। जब अज्ञातवास के दौरान अर्जुन कौरव सेना लड़ रहे थे कौरव सेना से, तब उनकी टंकार मात्र से ही राजकुमार उत्तर अधमरे हो गए थे। तो सोचिए गांडीव में इतना दम था, और अगर गांडीव से जब भी बाण छूटता था उसमें इतनी भयंकर आवाज करती थी कि पूरा वातावरण गूंज उठता था, और गांडीव में इतनी जोर से रोशनी आती थी कि उसको जो देख ले वो अंधा हो जाए। बस यही थी अर्जुन की कोशिश। तो देख लिया दोस्तों, इसको इतना नॉलेज है, इसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि जो है काफी ये लंबा हो जाएगा अगर इससे ज्यादा इसने बतलाया इस वीडियो में। तो इसके लिए जो है फिर हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे, और इस तरह का नॉलेज जो है एक शिशु मंदिर के जो स्टूडेंट है उसके पास हो सकता है, शायद ही दूसरे बच्चे के पास होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के एक और मोटिवेशनल वीडियो में आपसे हम लोग फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।